इतना ज़्यादा खूबसूरत है, गेट ही इतना खूबसूरत है, तो अंदर का चीज़ इतना कितना सुंदर होगा सोच लो। हम लोग अंदर नहीं जा सकते मतलब, तो मेरे दोस्त लोग मुझे मिल गए हैं। Hi guys, welcome back to the channel. So, आज का व्लॉग है आगरा घूमने का व्लॉग, लाइक ताजमहल आए हैं हम लोग, पहली स्पॉट है ताजमहल, इसके बाद आगरा फोर्ट। सो हम लोग बहुत लेट से निकले हैं ताजमहल के लिए एंड फाइनली महल आ चुके हैं। कितने बजे निकले थे हम लोग? हम लोग 9:30 बजे निकले, 9:30 बजे निकले और अब देर बज रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइज आने में। सो एनीवेज अभी डायरेक्टली मैं अंदर जाके मिलती हूँ, इधर लंबा सा इंट्रो लेके कोई फ़ायदा नहीं है। और इतना बस में हम लोग एंजॉय किए, चीखते चिल्लाते आए, मेरा गला पूरा बैठ गया। एनीवेज अंदर जाके बहुत सारा क्लिप्स उठाऊंगी। यस, कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय। ये देखिए काफी ज्यादा ठंडा है, ये लोग आग फुआ रहे हैं इधर एंड चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा है और सब अभी वी आर लिविंग फॉर ताजमहल। ताजमहल, ओके, यू विल सर्च लव देयर, ओके फाइन, लेट्स सी। नहीं, तो ये रहा, इधर हम लोग का बस रुका हुआ है एंड इधर आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा भीड़ है, हर एक जगह पे इतना सारा चाबुक बेच रहे हैं। सो ये सेक्शन में आप लोग को काफी सारा दुकान मिल जाएगा, आप लोग निकल के इधर से कुछ कुछ खरीद सकते हो, बहुत सारा स्टेशनरी का चीजें है इधर। यस, मैं भी वीडियो बना रही हूँ। सो गाइस, इधर से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, मैं हूँ मेरे दूसरे ब्लॉगर पार्टनर के साथ। है ब्लॉगर पार्टनर, इधर हाय बोलो। हाय, अबे पार्टनर जल्दी चलना, इसका देखो, चलो चलो रास्ता दिखाओ, जंगल के देखिए गाइस, बंदर को देख के ऐसे तंग कर रहा है ये प्रीतम देव वर्मा। दीपाली बहुत अच्छी है मेरी तरह एज यूजुअल। और अभी हम लोगों ने आधार कार्ड और टिकट्स नहीं दिखाए, तो उधर जाके दिखाएंगे, वो सब दिखाने के बाद फिर एंट्री मिलेगा। सो जैसे एंट्री होगा और कुछ प्रोसीजर्स होगा तो मैं बताती हूँ आप लोगों से। और ये है मीना बाजार, तो मुझे तो पता नहीं इसमें क्या मिलता होगा, बाजार लिखा हुआ है बस उतना ही पता है। और ये रहा एंट्री, दिखने में तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, वाव। 2000 years later. अभी चेक इन हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं मेन गेट से अंदर एंड मेरा एक बिस्किट रख दिया, मुझे पता नहीं था कि खाना लेके आना नहीं चाहिए, तो वो पता होता तो मैं खाना लेके नहीं आती। संडे है तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि संडे में कितना ज्यादा भीड़ होता है, इधर पे ही इतना भीड़ है तो मेन जगह पे पता नहीं कितना भीड़ होगा। ये मेन गेट है क्या? सो हम लोग एकदम पास में आ चुके हैं एंड गाइस ट्रस्ट मी, इतना ज्यादा खूबसूरत है, गेट ही इतना खूबसूरत है, तो अंदर का चीज इतना कितना सुंदर होगा सोच लो। गाइज अभी हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर आ चुके हैं, एकदम ताज के एकदम करीब है और सब कोई सेग्रीगेट हो गए, मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है कि मैं सबको
एक साथ उठा पाओ एक मतलब वीडियो पे, तो सामने शायद है, तो सामने जाके ज़रूर से मिल जाएंगे वो लोग। तो अभी फ़िलहाल मेरे साथ यही है, यही मेरा फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक करके दे रहा है। तो कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहली बार आने से जो मज़ा आता है मतलब, यस वही पहली बार का मज़ा ही कुछ और है। सो आप लोग जो लोग नहीं आए हो वो आप लोग आओ, आके खुद से देखो, एकदम पास से देखो, बहुत खूबसूरत। सो क्योंकि आज संडे है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, सो हमारे दोस्त लोग उस सेक्शन में हैं, हम लोग को मिल गए तो हम लोग उधर जा रहे हैं। एंड ये ह्यूज लाइन आप लोग देखो, काफ़ी लंबा लाइन है, अंदर तक लाइन है पूरा। एंड मेन जो चीज़ है वो तो ऊपर ही है, ये देखो। तो मेरे दोस्त लोग मुझे मिल गए हैं। तुम लोग क्या फोटो वोटो खींच के रेडी? hey, हम लोग अंदर नहीं जा सकते? पैसा चाहिए 200 रुपए दोगे? नहीं नहीं हाँ तो जाओ अंदर। अच्छा खुमुली का ड्रेस दिखाती हूँ, खुमुली ने क्यूट सा टॉप पहना है और पास्टा पहना है, तो जाओ रिप्रेजेंट करके आओ त्रिपुरा को उधर। नहीं कैसा लगा, पहली बार आए हो? हाँ। मैं भी पहली बार ही हूँ इधर, पहली बार का मजा ही कुछ और है ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। नीलू का मुंह पूरा खुला खुला है, समझ ही नहीं आ रहा है। नाइस चश्मा, तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा। बहुत ज्यादा फोटो खींच लिया शायद। उमा मैम को कैसा लग रहा है? हाँ पढ़ाई करोगी? हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ाई करो, जाओ हाँ सेल्फी लो। सो आप लोग को एक अपडेट दे देते, 50 रुपीज का हम लोगों ने टिकट काटा, तो 50 रुपीज में इतना ही मिलेगा, हम लोग अंदर नहीं जा सकते, मतलब इतना ये नीचे का एरिया में ही हम लोग हैं, ऊपर का जो पार्ट है उसमें हम लोग नहीं जा सकते। तो क्योंकि ताजमहल इतना पास से दिख ही रहा है, तो हम लोग सोचे कि 200 रुपये और एक्स्ट्रा क्यों खर्च करें, तो हम लोग के पास उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था। तो बाकी लोग गए हैं, कुछ कुछ लोग जो लोग को इंटरेस्ट था, तो मैं सोचे अंदर तो शायद पक्का से ब्लॉग बनाने नहीं देगा, तो मैं सोचे कि मैं अभी नहीं काटती हूँ टिकट, कभी और मम्मी पापा के साथ आऊँगी तो ज़रूर से देखूँगी। सो यस अभी हम लोग बहुत सारा रील्स फोटोज जम के खींच रहे हैं, सब कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है पहली बार ताज को देखे। आप लोगों को कैसा लगा जरूर से मुझे बताना। A few moments later. So अभी हम लोग सब उस साइड पे जा रहे हैं, शायद उस साइड पे कुछ एरिया है, क्योंकि हम लोग को तो 50 रुपीज का टिकट में इधर जाने नहीं मिलेगा अंदर तरफ, तो हम लोग इधर तक ही है। और यो ये लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, ये शायद टायर्ड हो गए फोटो खींचते खींचते, पूरा टायर्ड ना, ज्यादा फोटो नहीं खींचा। नहीं 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 यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। जोड़ी ऑफ द क्लास नीलटू और प्रीतम का फोटोशूट चल रहा है बाय गौरिक दत्तो, बस। और इधर रेस्ट करते हुए तीनों बंदर रेस्ट कर रहे हैं। क्यों तुमने फोटो खींचना, तुम्हारा रील का एनर्जी फोटो का एनर्जी सब खत्म। और ये क्या इतना पास से इतना खूबसूरत चीज देख के मजा ही आ गया। और अभी हम लोगों ने ढेर सारा रील्स फोटो सब कुछ उठा लिया, सब लोगों ने इनफैक्ट। सो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा स्पॉट पे, इधर काफी ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, सो मजा ही कुछ और है। ये देखो सारे लोग, इतने सारे टूरिस्ट, माई गुडनेस। जॉय जॉय, ओह माय गॉड, अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं अच्छा लग रहा है। जॉय कैसा लगा ताज देख के? मेरा दिल खुश हो गया। आ तुम भी अपने मुमताज के लिए ताज बना लेना। मैं घर में बना लूंगा, घर पे बना लेंगे हम। सो हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे, फोटो वोटो खींचे हो कि नहीं? बहुत ज्यादा, बहुत मजा आ गया एकदम, माँ कसम ना, आज तो पूरे इंस्टाग्राम पे पूरा फाड़ देंगे हम लोग। तो चलो यमुना नदी दिखाते आप लोगों को। तो अभी हम लोग लंच पे जा रहे हैं, सर अभी मैसेज किए हैं, तो वो हम लोग जल्दी जल्दी सबको जा रहे हैं, जो भी जितने भी लोग इधर हैं। तो चलो लंच पे फिर से मिलते हैं।
कल हम लोग कहाँ पे लंच किए थे? ओ कल हम लोग ने लंच नहीं किया, कल उन्होंने खुद अपना अपना लंच किया था। हाँ खुद अपना अपना लंच किया, आज भी खुद। ओ आज तो उनके तरफ से लंच है ना। हाँ जाते जाते इधर मिल गई पारो और दीपूदय। क्या कर रहे थे तुम लोग अकेले अकेले? फोटो खींच रहे आगरा से तो घूम के आ चुके हैं। एंड आप लोग को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था कि आगरा फोर्ट हम लोग नहीं घूम पाए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आवर टाइम। हम लोग ताजमहल से घूम के निकलते निकलते 5 बज गया था ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोग उधर से गेट से निकल के हम लोग का जो खाना दिए थे जो होटल की तरफ से था बिरयानी थे चिकन बिरयानी था वो मैं और क्लिप नहीं दिखा पाई, अफसोस उस बात का, क्योंकि हम लोग घूम के बहुत ज़्यादा टायर्ड थे एंड कोई भी उस हालत में नहीं था कि मैं किसी को बोल पाती वीडियो बना दो, क्योंकि बस में आधे लोग खा रहे थे आधे लोग नीचे उतर के खा रहे थे तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला। फिर उधर से खाना खा के आगरा के लिए निकलते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, और अभी फ़िलहाल 11 बज रहा है तो हम लोग 10:30 बजे आके होटल में पहुँचे हैं। एंड गाइज आप लोग को बिलीव नहीं होगा वो रास्ता कितना ज़्यादा डेंजरस था एंड कितना ज़्यादा फॉगी वेदर है, मतलब पूरा सफ़ेद था, मतलब आज खुद की आँखों से जो दिल्ली का जो रोड से वो देखे एंड बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस रहा है। एंड सेफली हम लोग सबको रूम पे पहुँच चुके हैं। सो यस इसी के साथ मैं आज का वीडियो इधर ही एंड करती हूँ। मैं उधर कुछ भी एंड नहीं कर पाई क्योंकि उस हालत में मैं नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ, बट फिर भी ये वीडियो को तो एंड करना ही पड़ेगा। सो आप लोग मुझे बताना आगरा का व्लॉग देख के कैसा लगा, दिल्ली का व्लॉग देख के कैसा लग रहा है एंड स्पेशली आज का जो ताजमहल का व्लॉग है वो देख के आप लोगों को कैसा लगा। सो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।